नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। कोरोना लोगों को डरा रहा है और देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। ऐसे में लोगों में भी बीमारी को लेकर डर घर कर गया है। लगातार एक्सपर्ट शुरुआत से ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन पर जोर दे रहे थे, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल था कि क्या सिर्फ एक मास्क काफी है, ये हमें संक्रमण से बचा सकता है। लोगों के मन में ये सवाल उठ ही रहे थे कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक्सपर्ट्स दो मास्क पहनने की सलाह देने लगे हैं। ये संक्रमण से बचने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है। वहीं डबल मास्किंग को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। डबल मास्किंग की जरूरत आखिर क्यों? कोरोना वायरस का नया वेरियंट बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। डबल मास्किंग से मास्क के किनारों में गैप रह जाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है और आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। क्या आप एक साथ दो सर्जिकल मास्क लगाना सेफ है? दो डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क एक साथ पहनना सही नहीं होता। एक स्टैंडर्ड सर्जिकल मास्क कागज जैसे मटेरियल का बना होता है। सर्जिकल मास्क नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। मास्क के किनारे पर गैप रह जाता है जिससे वायरस अंदर जा सकते हैं। सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहनने से गैप होने की गुंजाइश नहीं रहती। डबल मास्किंग का सही तरीका आखिर क्या है? N95 और K95 के साथ भी डबल मास्किंग की जरूरत आखिर क्यों है? N95 मास्क और चीन में बना K95 मास्क मेडिकल मास्क में सबसे बेहतर माने गए हैं। अगर इन्हें सही तरीके से पहना जाए तो आप 95% तक सुरक्षित हैं। इसलिए इनके साथ डबल मास्किंग की जरूरत नहीं है, बस ये मास्क ओरिजिनल हो, क्योंकि एक बार फिर से मार्केट में इनकी शॉर्टेज हो गई है। ऐसे में सर्जिकल मास्क के साथ कपड़े का मास्क ही बेहतर ऑप्शन है। अगर चाहें तो कोरिया में बने KF94 मास्क का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ भी डबल मास्किंग की जरूरत नहीं होती है। मास्क पूरी तरह से फिट है या नहीं ये कैसे चेक करें? डबल मास्किंग के बाद भी मास्क पूरी तरह से फिट है या नहीं ये जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए मास्क के किनारे पर हाथ रखकर तेजी से सांस लें। अगर किनारों से हवा निकल रही है तो मास्क को टाइट करने की जरूरत है। अगर पूरी तरह से फिट है तो मास्क के अंदर गर्म हवा महसूस होगी। मास्क फिट है या नहीं ये चेक करने के लिए कैंडल टेस्ट कारगर है। कई लोग मास्क पहनने के बाद कैंडल फूंक कर मास्क की फिटिंग चेक करते हैं, जो कि सही नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर प्रोफेसर बी फे मैकनिकल का कहना है कि जो मास्क पूरी तरह से फिट नहीं है उन्हें लगाकर भी कैंडल बुझाई जा सकती है। इसलिए मास्क की फिटिंग चेक करने का ये सबसे खराब तरीका है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मास्क का यूज आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इस दूसरी लहर से बच सकते हैं। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।